हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हम घूम रहे थे, बॉय भी और मैं मिलके मस्त बहुत खुश थे। स्कॉटलैंड के पहाड़ों में बहुत ट्रैवल कर रहे थे और उसके बाद सडनली क्या हुआ वो अब देखो। क्या करना है अब, इसका करना क्या है ये तो बताओ। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है, इसको कैसे रखूँ अंदर ये समझ नहीं आ रहा। ये तो लटक गया, ये तो तार तोड़ दो इसकी। साफ करना पड़ेगा ना वहाँ पे यार। गाइस पूरा मिरर टूट गया है, तो ये देखो। हाँ मैं सफाई करके आ रहा हूँ, जा तू यहीं बैठ। सफाई कहाँ? वहाँ पे लेके जा रहे हो गाड़ी? ना ना, छोड़ के आ रहा हूँ। हैं? इसे छोड़ के आता हूँ। तो भी गाइस एक दिक्कत हो गई है, अभी गाड़ी ठोक दी किसी ने यहाँ से और पूरा मिरर टूट गया। देखो ये देखो, पूरा मिरर गया यहाँ से, पूरा गया। ये देखो ऐसा था मिरर, ऐसा था, और अब देखो, और अब देखो कैसा हो गया। तो अभी जिसने ठोकी है ना उनसे बात चल रही है, वो पीछे खड़े हैं बोबिया के साथ में, वो भी टूरिस्ट है, उन्होंने भी रेंट ले रखी थी, हम भी टूरिस्ट हैं, हमने भी रेंट ले रखी थी। तो बात कर रहे हैं किस तरह से क्या हुआ, उनका मिरर टूट गया, मिरर से मिरर लगा, उनका मिरर टूट गया पूरा, उनकी भी सेम गाड़ी थी। तो अब कर रहे हैं बात, तो कंपनी से बात कर रहे हैं क्या होगा, जिस तरह से होगा। भाई एकदम से बहुत डर लगा मुझे, फॉरन में आए हुए ना और यहाँ पे ऐसे एक्सीडेंट हो जाए ना। भाई हम तो मस्ती में चल रहे थे अपनी लेन में, एकदम से आवाज़ आई, कड़क एकदम से आवाज़ आई। मैंने कहा ये क्या हुआ, एकदम से डर लगा, मैंने कहा ये क्या हुआ एकदम से। वो देखो सामने वो भी बात कर रहे हैं ना उन लेडी से, उनकी गाड़ी थी और वही चला रही थी, ये लेडी चला रही थी, यही चला रहे थे और कर दिया काम। अब देखते हैं क्या होता है। भाई हम वैसे ही लेट हो रहे थे, हमको 8 बजे पहुंचना था और यहाँ पे ये हो गया। भाई भाई फॉरन में ये सब चीज़ें हो जाए ना भाई, बहुत डर लगता है बहुत ज़्यादा। क्या करना है अब, क्या करना है बताओ। अब क्या करना है? कुछ नहीं, रोहिन का फोन आता, चल लेंगे। क्या करना है यार, अब होती रहती छोटी मोटी। अरे वो तो ठीक है, मिरर मिरर रहने का, बिना मिरर के चलाओगे? हाँ, एक बार उनकी गाड़ी भी देख लेते यार, सही रहता। कंपनी वालों को दिखा सकते, उनकी गाड़ी ऐसी थी, उनकी गाड़ी का फूट गया। ये भी तो हॉलैंड की है, इन्होंने वो अपनी गलती मान रहे हैं। हाँ हाँ, गलती मान रही है। हाँ, हमको पहुँचना है 8 बजे, 7-6 बजने वाले हैं। अब क्या करोगे इसका? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ इसको निकाल दूँ और फिर वो करें, इसको चेक करें। बट बिना मिरर के चलाओगे ऐसी इतनी बड़ी गाड़ी बिना मिरर के? टेंशन मत ले यार। फिर यार वो ओल्ड लेडी है, क्या बोलता उसको बता। मैं वो चाहिए रॉन्ग साइड आ गई क्या करोगे अब समझ में आ रहा? अब समझ में, इसको लटका के ले जाएं कैसे ले जाएं, इसको लटका के ले जाएं कैसे ले जाएं, इसको लटका के ले जाएं? कुछ बांधने का ला, इसको ऐसे बांध देता है ना। अच्छा ये ऐसे था क्या? हाँ ऐसे था। इंडिकेटर तो जला रहे हैं क्या? इंडिकेटर हाँ जला रखे मैंने, इंडिकेटर जल रहा है क्या? हाँ इंडिकेटर तो जल रहा है भाई, इंडिकेटर तो जल रहा है। देखो ये कहाँ से था यार? ये यहाँ पे होगा ना, क्या करें इसका? इसको बांधना पड़ेगा मेरे भाई, कुछ है बांधने का? कैसे बांधोगे, बांधने के लिए कुछ है ही नहीं भाई। कितनी स्पीड में चल रही है गाड़ियाँ, या तो इसने निकाल ही दो पूरा। अरे यार तारे काट देंगे, फिर तारों के पैसे लेंगे। हैं? तार खोलनी पड़ती है ना। लटका के कैसे ले जाएंगे फिर? ये तो हम कैंपिंग साइड में जाके करते हैं ना। उनकी गाड़ी देख लेते हो, देखो जा रहे हैं भाई, उनकी गाड़ी देखनी चाहिए थी हमको, हमारे पास प्रूफ तो होता। अकेले जाऊँ? हाँ चले जा, फोटो खींच के ले आना, मैं यहीं रुकाऊँ, जा मैं तो बाद में कोशिश करता हूँ, उसको निकालता हूँ बाद में। चलो मैं उनकी गाड़ी देख के आता हूँ जल्दी से। उनकी गाड़ी में कितना नुकसान हुआ है वो भी देख लेते हैं ना, भाग भाग के जाता हूँ। इतने बोबिया को जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन भाई यहाँ पे ना कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, बात हो गई, बोबिया ने बात कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है। वो भी टूरिस्ट, हम भी टूरिस्ट, उन्होंने भी गाड़ी रेंट पे ले रखी, हमने गाड़ी रेंट पे, तो हो गया, तो कोई बात नहीं, सब सेफ है, सब सही है। बट पैसे भरने पड़ेंगे हमको भी मिरर के, उनको भी मिरर के पैसे भरने पड़ेंगे। जो भी होगा अब चलते हैं, उनकी गाड़ी देख के आता हूँ मैं तो। भाई ठंडी तो नहीं हो रही है ना, नंबर ले लिया उनका। भाई गाड़ियाँ तो बहुत स्पीड में चल रही हैं यहाँ पे, हमारी भी स्पीड में थी 60-70 की, मतलब लिमिट है यहाँ पे, तो हमारी 50-60 भी चल रही थी। ये रही दूसरी वाली गाड़ी, इसका तो मिरर अंदर चला गया, इसका ये वाला कांच भी टूट गया, देखो ये वाला कांच भी, हमारा तो सिर्फ यही टूटा ना, और ये अंदर चला गया इनका पूरा। देखो ये वाली गाड़ी, ये भी कैरावैन ही है, इसमें 4 लोग हैं। देखो ये वाली गाड़ी है भाई, इनका ज़्यादा नुकसान हो गया, देखो इनका ये कांच भी टूट गया ना इनका। फाइनली उनको बाय बाय बोल दिया है। भाई कोई भी गुस्सा भी नहीं था, ना कोई
मतलब परेशान भी नहीं था भाई, मैं परेशान हो रहा हूँ, वो कोई परेशान नहीं, वो हंस रहे हैं भाई। ये लोग ना गुस्सा नहीं करते ना ही परेशान होते, ये चिल रहते हैं, मतलब कि हाँ सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो वो टेप लगवा रहे हैं उसमें जो, भाई उनका तो पूरा शीशा ही टूट गया भाई, हमारा तो सिर्फ साइड वाला मिरर गया ना, उनका तो शीशा भी गया भाई। वो तो अच्छा हुआ सेफ थे, मैंने पूछ लिया उनसे, सब कुछ सही था सिस्टम, लेकिन गलती होने की थी, हमारे पास वीडियो भी, हमारे मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम, तो मैं आपको दिखाऊंगा, गलती होने की थी, वो एकदम से लेन में आए और यहाँ पे हुआ था। नुकसान उन्हीं का ज़्यादा हुआ है, लेकिन बुरा लग रहा है दोनों की साइड से, बिकॉज दोनों टूरिस्ट थे, दोनों ने बुक करके आए हुए थे। देखो कितनी फास्ट चल रही है गाड़ियाँ भाई, यहाँ पे कितनी फास्ट चल रही है भाई, इस ट्रिप पे इतना मज़ा आ रहा था, और देखो सडनली कितनी फास्ट चल रही है भाई गाड़ियाँ देखो। बाकी उनके हॉलीडेज भी खराब ना हो, हमारे भी ना हो, बस भगवान से कृपा है, भगवान ने बचा लिया। मतलब पुलिस का सीन नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाती भाई, बिकॉज फॉरन में पुलिस का सीन में दिक्कत हो जाती। सब कुछ नॉर्मली हो गया बात करके, हमने कंपनी से बात कर ली जहाँ से हमने बुक की थी, उन्होंने अपनी कंपनी से बात कर ली जहाँ से उन्होंने कैरावैन बुक की थी, तो वो कंपनी के हिसाब से हम पैसे भर देंगे, जो भी होगा वो सब कर देंगे। एक प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिरर उसका टूटा हुआ है, तो कैसे देखेंगे वो भी, कैसे चलाएंगे बिना मिरर के। दूसरी प्रॉब्लम, हमको 8 बजे तक पहुंचना था अपनी कैंपिंग साइट पे, 8 बजे बंद हो जाती है, और टाइम देखो भाई 6:30 हो चुके हैं, अभी 1.5 घंटा है हमारे पास, 1.5 घंटे में पहुंच नहीं पाएंगे भाई, यहाँ से 2-2.5 घंटे का रास्ता है, हमारे पास है 1.5 घंटा, तो पता नहीं कब पहुंचेंगे हम, पता नहीं कैसे पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे। गाइस मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, मेरे पास वीडियो भी एक्सीडेंट होने की, हम तो नॉर्मली चला रहे थे, गाने सुनते हुए चला रहे थे हम, तो एकदम से टक आवाज आई, टक एकदम से, अबे ये ट्रेन फिर से आ गई। भाई आज पूरा दिन यही ट्रेन दिख रही है हमको, ये देखो इधर मिरर है, इधर मिरर ही नहीं है, इधर मिरर है सिर्फ, वो भी निकाल ही दिया। अरे उसका देखना आप क्या सिस्टम है उसका, ये मिरर हाँ। ये कांच पूरा टूटा हुआ है, अच्छा। और ये टूट के अंदर ऐसे मुड़ा हुआ है, वो तो बच गई, वो मुंह लगता है उसका, मुंह फूटता पूरा, अच्छा। हाँ ये उसका पूरा टूटा हुआ है, कांच सब गया हुआ है, मेरे पास रिकॉर्डिंग आ गई, पूरी गलती उसकी है, वो ना ये वाली जो बीच सेंटर लाइन है ना उससे इधर चल रही है, बिल्कुल हमारे पास जगह ही नहीं है, इतनी भी जगह नहीं है, अच्छा वो इधर चल रही थी गाइस, हम तो अपने सही चल रहे थे। अरे कोई बात नहीं, वो होता रहता है, आप रोड में चलने में क्या कर सकते हैं, छोड़ो, लेकिन सही है, सेफ है सब। अरे आप उनका देखते ना, वो टेप लगवा रहे हैं, वो टेप काहे में लगवा रहे हैं, इसमें पूरी टेप लगेगी ना, टूट गया है तो पूरा, कांच निकाल रहे थे, अच्छा वो कांच लगा, टेप वेप लगाएंगे, उनका बहुत नुकसान है। ये देखो ये थी ना, यही थी ना, हाँ हमारे पास वीडियो पे देखो कहाँ चल रही है, पट्टी से देखो ना, हमारे पास हमारे यहाँ मिला दी मैंने गाड़ी, देखी बिल्कुल किनारे, अरे हम तो बिल्कुल किनारे चल रहे थे, हम तो बिल्कुल किनारे, आप देखना ना, ये देखो ये जो व्हाइट लाइन है ये यहाँ है, व्हाइट लाइन इधर है, हम तो सही चल रहे थे, ठीक है ना, ये देखो ये गाड़ी मेरी और को आ रही, हम सही चल रहे थे, देखिए मेरे और को आ रही ना, ये आई गाड़ी, ये देख ये आई, ये देख ये इसने मेरे ऊपर मारा है, देखिए ये देख ये लग रहा है, ठीक है, अब वो कार देख कितनी दूर चल रही है, कार को देख, कार वहां चल रही है अपनी साइड पे, हाँ। है ना, और इसको फिर से देख, ये देख कार से कितने अंदर है इधर, हाँ। ये मारा इसने, हिट किया, और रोड पे देखिए रोड कहाँ चल रही है, उधर छोड़ के यहाँ आई हुई है, हाँ, मतलब बीच में चल रही है, बीच में चल रहे ना। गाइस हम तो मस्त गाने सुनते हुए मस्ती में चल रहे थे अपनी लेन में, और एकदम से टक आवाज आई, बट चलो कोई बात नहीं, सब सेफ है, चले फिर अब। उन्होंने भी हायर की है गाड़ी, पता है उन्होंने भी हायर किया, हाँ, वो तो पता है। बट मैंने गाड़ी जब ली ना पहले ही इंश्योरेंस करवा लिया था मैंने, अच्छा इंश्योरेंस भी कराया आपने, हाँ मैंने इंश्योरेंस करवाया, हमें कोई दिक्कत थोड़ा, कोई हमको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं पहले इंश्योर करा के ली गाड़ी भाई, भाई ये सही है भाई, इंश्योरेंस करा ले, वो भी मैंने, यहाँ पे ऐसे इंश्योरेंस नहीं होता है, यहाँ पे जब आप गाड़ी लेते हो जितने दिन के लेते हो ना उतने दिन का इंश्योरेंस होता है, अच्छा हमको पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, नहीं 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 मैंने इंश्योरेंस दे रखा अपना पूरा भाई, कभी कोई कुछ इंसिडेंट हो जाए ऐसा, अब बाहर हो तो पहले इंश्योरेंस ले लेना चाहिए गाड़ी का, जितने दिन आपके पास गाड़ी है उतने दिन का इंश्योरेंस होता है, वो मैंने पहले ले रखा इंश्योरेंस, ये तो मुझे बताया था कि इंश्योरेंस भी ले रखा है, वो भी मैंने, चाहे गलती हमारी है चाहे किसी की है, लेकिन इंश्योरेंस लेना चाहिए, आप कभी बाहर गाड़ी लेते हो ना, रोड पे गाड़ी चल रही है तो कुछ भी हो सकता है, हमारी भी गलती हो सकती है, सामने वाली गलती हो सकती है, कोई जानबूझ के तो मारेगा नहीं, बट गलती तो हो सकती है ना, गलती तो गलती है, चले फिर पहुंच जाएंगे 8 बजे तक, नहीं पहुंच जाएंगे, मैं बात करता हूं ना, चलो अब निकलते हैं बिना मिरर के, तो यहाँ से हमको जाने 81 माइल्स 2 घंटे लगेंगे हमको। गाइस ये शीशा भी तो खतरनाक है, देखो इतना बाहर निकला हुआ, लिटरली कितना बाहर निकला हुआ, देखो बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ है शीशा, मुझे तो लग रहा है ऐसे एक्सीडेंट होते रहते होंगे यहाँ पे शीशे वाले, देखो इतनी बाहर शीशा निकला हुआ है, लिटरली इतनी बाहर शीशा निकला हुआ है, गाय है गई, गाय तो गई, अंधेरा होने वाला है, बारिश भी स्टार्ट हो गई है, अभी भी 1 घंटा और लगेगा हमको पहुँचने में, 1 घंटा और अभी, गाइस बोई बे सुबह से गाड़ी चला रहे हैं, थक गए भाई, उतर गए फिलहाल थोड़ी देर के लिए बाहर,
अभी 20 मिनट और लगेंगे गाइज, हम बहुत बहुत दूर आ गए हैं, बहुत ज्यादा दूर, अंधेरा हो चुका है, कुछ दिख भी नहीं रहा अच्छे से। अब तो फाइनली पहुंच गए, फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी कैंपिंग साइट पे। और टाइम देखो भाई 9:30 बज चुके हैं, काफी लेट हो गए, मतलब हम 3-4 घंटे लेट हो गए भाई। इसको बंद कर देते हैं यार, शीशा बंद, अब चलते हैं पीछे, इसको बंद कर देते हैं, बहुत ठंड आएगी बाहर। ये देखो ये बंद करो, ये बंद करो, इसको भी बंद करो भाई। तो आज डिनर में बना रहे हैं हम एक तो मैगी और पिज्ज़ा, पिज्ज़ा रेडी हो गया हमारा, ये देखो पिज्ज़ा रेडी हो गया मस्त गर्मा गर्म। तो गाइस मस्त खाना पीना भी हो चुका है, तो फिलहाल मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ, बिकॉज अब सोएंगे, कल देखना आपको दिखाऊंगा मस्त मस्त व्यू। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।